हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह जो 524 का मॉड्यूल होता है उसे हम कलर टीवी में कब और क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे कलर टीवी का ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है और उसका नंबर नहीं मिल पाता है तो उसके जगह पर हम यह 524 का मॉड्यूल को लगा कर अपने टीवी को चला सकते हैं। दोस्तों, यह 32 इंच का सैमसंग का कलर टीवी है, तो इसके मदरबोर्ड कार्ड में मैंने इस मॉड्यूल का कनेक्शन किया है। यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया था दोस्तों, तो इसके जगह पर मैंने ये वाला मॉड्यूल लगाया है। यह चाइना का मॉड्यूल है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसे पावर स्विचिंग मॉड्यूल भी बोला जाता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर का नंबर सही नहीं मिल पाता है तो आप उसके जगह पर इसे लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैंने इसका कनेक्शन किस तरह से किया है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसमें का जो रेड वाला तार है वह ट्रांजिस्टर मॉस्फेट के सेंटर वाले पोजीशन में कनेक्शन हुआ है। इसे आप इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की मदद से कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें का जो ब्लैक वाला तार है वह हमारे टीवी के मेन कैपेसिटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन होगा। ये देखिए, ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है जो कि यहाँ से कनेक्ट है, तो मैंने इसे यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके येलो वायर को कहाँ पर कनेक्शन करना है देखिए, तो हमें इस येलो वायर को 12 वोल्ट के प्लस पॉइंट में लगाना है। यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई बनता है, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट में हमें इस येलो वायर का कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें का एक भी वायर का कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यह मॉड्यूल जो है खराब भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मॉड्यूल का यह ब्लू वाला वायर बच जाता है, तो इसे हमें सेकेंडरी के ग्राउंड में लगाना है। इसे आप ग्राउंड के कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन येलो वायर को आपको 12 वोल्ट के प्लस पॉइंट में ही लगाना है। तो दोस्तों, देखा आपने कि मॉड्यूल का कनेक्शन करना कितना आसान है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई सा भी टीवी में इस मॉड्यूल का कनेक्शन कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल को लगाते समय आपको एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मॉड्यूल का कनेक्शन करें तो आपको इसके प्रीसेट के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो प्रीसेट होता है वह सेट होता है दोस्तों। तो अगर आप इसके प्रीसेट के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपका जो कार्ड है उसमें हाई वोल्टेज चला जाएगा और वह खराब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा।